गरीब सास बहू और नंद ने खाया अमीरों वाला खाना। जबलपुर गांव में जमुना नाम की एक गरीब औरत अपनी बहू बिंदु और बेटी नंदिता के साथ एक कच्चे पुराने घर में रहा करती थी। बिंदु की सास अब बूढ़ी हो चली थी, इसीलिए उसकी बहू बिंदु खेतों में अकेली ही बनिहारी करती। बदले में जो पैसे आते उन्हीं से उनके घर का चूल्हा जलता। ये लो बिंदु, तेरी आज की फसल कटौती के पैसे। मगर मदन लाल जी, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं, जबकि दिन भर की दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अरे बावरी हो गई क्या जमुना की बहू, सिर्फ तुझे ही अकेले को 300 रुपए दे दूंगा तो बाकी लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, जो दे रहा हूँ वो ले ले। खेत के जमींदार मदन लाल की फटकार सुनकर गरीब बहू 100 रुपए लेकर धुआंधार ठंड में ठिठुरते हुए घर की ओर बढ़ने लगती है। सोचा था कि आज दिन भर की मेहनत के बाद अच्छी दिहाड़ी हाथ लगाएगी तो आज माँ जी को और नंदिता को अच्छा खाना खिला सकूंगी, मगर इस महंगाई के जमाने में 100 रुपए में दाल रोटी के सिवा क्या ही बन पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए गरीब बहू का दुख दरिया बनकर आंखों में उतर आता है। बिंदु हाथों में आटा और दाल लिए घर आती है और दाल रोटी बनाती है। तीनों सास बहू ननद बैठकर खाने लगते। माँ जी, नंदिता मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा था कि बिरजू जी के जाने के बाद आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं उनकी जगह ना ले सकी। रोज रोज आप दोनों को दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं खिला पाती। नंदिता, सासू माँ, आप दोनों भी सोच रही होंगी ना कैसी बहू हूँ मैं, ना तो घर की जरूरतों में खुला खर्च कर पाती हूँ और ना ही आपको कभी अच्छा खाना खिला पाती हूँ। अरे बहू, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष इस गरीबी का है जिसमें एक अकेला गरीब सारी जिंदगी अपनी हड्डियां गलाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। पैसों की हलाकत के कारण गरीब तो अक्सर पानी पीकर ही पेट भर लेता है। फिर ये तो गनीमत है कि इस गरीबी में भी हमारे घर में रोटियां तो हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी, और वैसे भी भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत होता है। इसी के साथ तीनों सास बहू और ननद सामने रखा खाना खुशी से खाने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक सुबह गांव में रहने वाली कलावती जमुना से मिलने आती है। अरे कैसी हो जमुना? बस गुजर बसर हो रहा है, आओ बैठो। अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तेरा हाल चाल पता पूछते चलूं। अरे बिंदु बहू, रोज रोज ये फीकी सी दाल रोटी खाकर तुम सास बहू ननद उकताते नहीं हो क्या? अरे मुझसे तो ऐसे खाने का एक भी कौर ना खाया जाएगा। हाँ समझ सकती हूँ, तुम्हें तो जैसे गरीबी के कारण ये घास फूस खाने की आदत ही पड़ गई है, चलती हूँ। इस तरह कलावती उनकी गरीबी पर बोलबाजी करते हुए चली जाती है और नंदिता बोलती है, देखा माँ, कलावती काकी कैसे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर हमारे खान पान पर भी ताने कसकर चली गई। जाने दे नंदिता बेटी, अभी हमारे दिन बुरे हैं। फिर कलावती की कड़वी बातों में सच्चाई छिपी थी, क्योंकि हम अचार रोटी दाल रोटी प्याज रोटी के सिवा खाते ही क्या हैं? जहां एक और अमीर लोग रोजाना खाने पर हजारों खर्चा करते हैं, वहीं हमारे पास तो इतने भी बचत नहीं कि हम एक दिन भी अच्छा खाना खा सकें। सास और ननद को अच्छे खाने के लिए मन मारता देख बिंदु बीच में बोलती है, माँ जी और नंदिता ऐसा ना कहिए, इस नए साल पर हम भी अच्छा खाना जरूर खाएंगे। बिंदु की बातों ने दोनों सास बहू के मन में अच्छा खाना खाने की खोई उम्मीद को फिर से खटखटाया था। अगले दिन बिंदु खेत पर आकर मदन लाल से कहती है, मदन लाल जी, आज से मैं खेत पर 2 लोगों का काम अकेले कर दूंगी, बदले में आप मुझे मेरी दिहाड़ी बढ़ा कर दे देना। मैं नए साल पर अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। अरे तुम गरीब भूखे नंगे अमीरों वाला खाना खाकर क्या करोगे? खैर ठीक है, आज से तू काम शुरू कर दे। अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाने के लिए बेचारी गरीब बहू सर्दी के गर्दिश को सहती हुई फसल काटती है और उनकी ढेरी तैयार करती। फसल की कटाई ने उसकी सोच को धूमिल नहीं होने दिया। समय गुजरता गया, बिंदु ने बिना रुके मेहनत की। माँ जी, नंदिता आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं और मन भी नहीं। मैं जानती हूँ कि हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर तुम्हारे और माँ जी के मुँह का स्वाद छिन गया है। इस नए साल पर मैं तुम्हें और माँ जी को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। दिन गुजरते गए और गरीब बहू लगातार मेहनत करती थी और देखते ही देखते दिसंबर का आखिरी दिन आ गया। मदन लाल जी, आज साल का आखिरी दिन है, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, कल के बाद मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। ऐसा ना कहिए मदन लाल जी, कल नया साल है, मैंने मेरी सासू माँ और ननद को अच्छा खाना खिलाने का वादा किया था,
अब ऐन मौके पर आप ही हाथ खड़े कर देंगे तो कल मैं गरीब बहू कैसे खरीद के अपने परिवार की खुशियां कहां से खिलाऊंगी उन्हें खाना। इस घड़ी तो मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा खुचा, मेरे घर का तो चूल्हा जलना भी दूभर हो जाएगा। एक दिन नहीं खाओगे तुम गरीब तो मर थोड़ी जाओगे, बोल दिया तो बस बोल दिया, पैसे तुझे कल के बाद ही मिलेंगे। मदनलाल की झड़प सुनकर बेचारे गरीब बहू के सपने टूट कर बिखर जाते हैं। किसने सोचा था कि जिस नए साल पर वो अपने परिवार को बेहतर खाना खिलाने के सपने बुन रही थी, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। वो आंखों में आंसू लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह जहां एक और नए साल पर सभी अड़ोस पड़ोस के घरों में पकवान बन रहे थे, ऐसे में उनके घर का चूल्हा उदास पड़ा था। किसी के घर में गुजिया तो किसी के घर में मालपुए की खुशबू हवा में घुल मिलकर इठलाती हुई गरीब सास बहू और ननद के घर चली आई। अमीर लोग अपनी खुशियों के आगे हम गरीबों की खुशी को कितनी आसानी से कुचल देते हैं ना माँ जी। मैंने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद भी मेरे परिवार का पेट भूख से छछन रहा है। जाने दे बहू, शायद अच्छा खाना हमारी रसोई में रूखा सूखा ही बनना लिखा है, हम गरीबों के भाग्य में यही है। अभी जमुना ऐसा बोल ही रही थी कि नंदिता की सखी कमली भागती हुई आकर कहती है, बिंदु भाभी, नंदिता जमुना काकी, जल्दी चलो, आज हमारे गांव में अधीरा की शादी का भोज है, वहां खाने में बहुत सारे स्वाद भरे अलग अलग भांति का खाना खाने को मिलेगा। तीनों सास बहू भोज के लिए निकल जाती हैं, जहां अलग अलग वैरायटी के खूब सारा खाना देखकर गरीब सास बहू और ननद की आंखें रोशन हो जाती हैं और तीनों सास बहू थाली भर कर खाना खाती हैं। देखो भाभी, आज हम गरीबों ने बरसों के बड़े वक्त बाद अच्छा खाना खा ही लिया, मुझे तो कई दिन से ये दाल मखनी खाने का मन था। अरे ये छोले भी भरपूर स्वाद से भरा है, खाना खाकर एक एक गुलाब जामुन और रसमलाई खाएंगे। मगर माँ जी, क्या ये सही होगा? बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। शुक्रिया अधीरा, काश कि सभी अमीरों का दिल तुम जैसा बड़ा होता, कितना भला होता। आज तुम्हारे बदौलत हम गरीब की जुबान ने एक बड़े मर्तबे बाद अच्छा खाना खाया है। आखिरकार गरीब सास बहू और ननद को उस दिन अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है। गंगानगर के छोटे से गांव में एक गरीब नैना नाम की लड़की अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश के साथ रहा करती थी। नैना का पति विदेश में रहा करता था और एक दिन उसने नैना को धोखा देकर विदेश की गोरी से शादी कर ली, जिसके बाद उसने नैना को छोड़ दिया। लेकिन नैना ने अपने पति राहुल के माता पिता को नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी। एक दिन नैना अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश से कहती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हर परिस्थिति में मेरा साथ भी दिया। राहुल जी तो विदेश में रह रहे हैं, मैं जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आप दोनों का साथ नहीं छोड़ सकती। बहू, ये तो तेरा बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। बहू, मैंने तो शुरू से ही तुम्हें एक बहू की तरह नहीं बेटी की तरह समझा है, और अगर तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहती हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नैना सुमित्रा और उमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन नैना सुमित्रा से कहती है, माँ जी, मैंने हर जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, और इस तरह आप लोगों को भूखा देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही। तुम चिंता क्यों करती हो बहू, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये कहकर सुमित्रा घर से बाहर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। गांव में टहलते टहलते उसे एक जगह भंडारा बटते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर सुमित्रा वहीं रुक जाती है और भंडारा लेने लगती है। आज घर में कुछ भी नहीं है, भंडारा खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। सुमित्रा वहीं भंडारा खाकर अपनी बहू नैना और अपने पति उमेश के लिए थोड़ा सा भंडारा पैक करवा कर ले आती है। जैसे ही नैना सुमित्रा का लाया हुआ भंडारा खाती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
अरे माँ जी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोलें, जिसके जरिए हम अपने घर को चलाने लायक कमा लिया करेंगे। अरे बहू, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ढाबा खोलने के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अरे माँ जी, हमारे गांव में मुखिया जी है ना, वो गांव में सभी लोगों को उधार पैसा दे देते हैं। हम भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें पैसा वापस कर देंगे। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया के बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना है, कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी, जैसे ही पैसा आएगा तो हम सबसे पहले मुखिया को पैसा दे देंगे। अगले ही दिन दोनों सास बहू मुखिया के घर जाती हैं और उसे ढाबा खोलने के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम मुझे समय पर पैसा लौटा दोगी। सुमित्रा और नैना दोनों ही अनपढ़ थीं, वो दोनों ही एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। बिना सोचे समझे ही उन्होंने अपने अंगूठे एग्रीमेंट के ऊपर लगा दिए, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें पैसा भी दे दिया। देखते ही देखते सुमित्रा और नैना ने अपना एक खुद का ढाबा खोल लिया। ढाबा खोलने के बाद उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसे उमेश दूर खड़ा देखता रहता है। तभी उमेश सुमित्रा और नैना के पास आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करती रहो और मैं उन्हें लोगों तक पहुँचा देता हूँ। उमेश एक एक करके सभी को उनके ऑर्डर देने लगता है, जिसके बाद सभी लोग नैना और सुमित्रा के ढाबे की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने खाना तो बहुत जगह खाया, लेकिन इस ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम्हें क्या लगता है कार्तिक? तुम बिल्कुल सही कहती हो, अब से हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे। काजल और कार्तिक पेमेंट के साथ नैना और सुमित्रा को शुक्रिया कहने लगते हैं। आप लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना तो और भी लाजवाब। अगली बार हम दोनों दोबारा आएंगे, क्या आप घर पर भी डिलीवरी करते हो? घर पर डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये लो, ये मेरा नंबर है, कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगी। नैना अपना नंबर काजल और कार्तिक को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते नैना और सुमित्रा होम डिलीवरी भी शुरू कर देते हैं और ढाबे की कमाई इकट्ठी करने के बाद वो दोनों मिलकर मुखिया के पास जाती हैं और उसे पैसे देते हुए कहती हैं, ये लीजिए मुखिया जी, आपने जो हमें पैसा दिया था हम आज उसे वापस लौटा रहे हैं। मुखिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज हमने मिलकर एक बहुत अच्छा ढाबा खोला है, कभी आना हम आपको अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे। पहले तो मुखिया पैसे ले लेता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा ढाबा? अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो, भूल गई तुमने मेरा एक एग्रीमेंट साइन किया था? हाँ मुखिया जी, हमने पैसों का एक एग्रीमेंट साइन किया था, आज हमने आपका पैसा लौटा दिया है, वो भी ब्याज के सहित, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अरे तुम तो बहुत भोली हो, ये नहीं जानना चाहोगे कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ और उस ढाबे में तुम दोनों काम कर रहे हो, वो ढाबा तुम्हारा नहीं मेरा है। ये सुनकर नैना और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सुमित्रा मुखिया से कहती है, अरे मुखिया जी, ये तो सरासर धोखा है, हमने आपके पैसे लौटा दिए, अब आप हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए, वो ढाबा हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे ऐसे कैसे कानून है, ये ढाबा मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, जाओ चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो नैना और सुमित्रा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नैना और सुमित्रा ढाबा खोलकर ढाबा चलाने लगती हैं, मुखिया वहाँ पहुँच जाता है। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती, ये ढाबा तुम्हारा नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पैसा लेकर, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत का पैसा हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस लौटा दो और ढाबा तुम रख लो। ओहो, तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज बन रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगा? अरे बेईमानी तो मेरी रगों में दौड़ती है, तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मुखिया इतना कहता ही है, तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मुखिया के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा कर कहती है, चल बेटा पुलिस थाने, जो बेईमानी तेरी रगों में दौड़ती है, हम पुलिस वाले ऐसी बेईमानी पुलिस थाने में बहुत ही आसानी से निकालते हैं।
ऐसा कहकर पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नैना ने मुखिया को देखते ही पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ये सब सुनकर तुरंत उनके पास पहुंच जाती है और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। देसी सास की पांच बेशरम बहुएं। अरे बहुत दिन हो गए अपने बच्चों से बात किए, जब से मेरे पांचों बेटे शहर जाकर कमाने लगे हैं मैं तो यहाँ पर अकेली ही पड़ गई हूँ। एक काम करती हूँ, आज उन पांचों को कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ, पता नहीं मेरे नालायक सुपुत्र क्या कर रहे होंगे। शीतल एक एक करके अपने पांच बेटों को कॉल लगाती है लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिसके बाद शीतल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान क्या हुआ, मेरे पांचों बेटों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरे अंदर से तो हलचल सी मच गई है, मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी शीतल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे इसमें कौन आ गया? अरे रुको भाई, खोल रही हूँ दरवाजा। अब क्या दरवाजा पीट पीट कर दरवाजे को तोड़ोगे? जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है उसके सामने उसके पांचों बेटे खड़े होते हैं, जो उसको देखते ही उसके पैर छूते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे काले, जुग जुग जियो मेरे पुत्रो, तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए, आखिरकार तुम अपनी माँ को देखने यहाँ आ ही गए। अरे तुम्हें अपनी माँ की थोड़ी भी याद नहीं आती है क्या? अरे माँ अब सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी, हम कब से खड़े हैं, अब हमें अंदर भी बुलाओगी या नहीं? शीतल अपने पांचों बेटों को अंदर आने के लिए कहती है। अरे आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उनके साथ साथ उनके साथ पांच शहर की लड़कियां भी अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर शीतल कहती है। अरे ये पांच लड़कियां कौन है और इन्हें देखो तो सही, इन्होंने क्या पहना हुआ है? अरे इतने वाहियात कपड़े कोई कैसे पहन सकता है? ची 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 ची, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। अरे माँ आप इन्हें बाहर क्यों निकाल रही हो, ये पांचों हमारी पत्नियां हैं। क्या कहा, तुम्हारी पत्नियां? अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुम्हारी शादी के कितने और क्या क्या अरमान देखे थे। अरे तुम्हें शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, मैं तो ये सोचती थी कि मेरे बेटे तो शहर में जाकर कमा रहे हैं, लेकिन निकम्मो तुम तो शहर में लौंडियाबाजी कर रहे थे, ऊपर से शहर की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर भी ले आए। अरे माँ ये शहर की लड़कियां तो हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, इनका दिल भी बहुत अच्छा है। अरे हमारे गांव में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने शहर की लड़कियों से शादी कर ली? अरे माँ जी आप भी ये कैसी बातें कर रही हो, हमने छोटे कपड़े पहने, इसका मतलब हमारे अंदर संस्कार नहीं है क्या? अरे खड़ी क्यों हूँ, चलो जल्दी से माँ जी के पैर छू लो। वो पांचों तुरंत शीतल के पैर छूती है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, पहले ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, मेरे सपने चूर चूर कर दिए हैं। अरे माँ अब मान भी जाओ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, देखना हमारी पत्नियां आपका कितना अच्छे से ख्याल रखेंगी। हाँ बस यही दिन देखने के लिए रह गए थे। अरे ये शहर की लड़कियां अपना तो ख्याल रख लें पहले, मेरा तो क्या ही रखेंगी। और हाँ अपनी पत्नियों को समझा दो थोड़ा ढंग के कपड़े पहने घर के अंदर, अरे अगर मोहल्ले के लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। ओहो माँ जी आप तो हमारे कपड़ों पर हाथों कर पीछे पड़ गई हो, और इन कपड़ों में क्या बुराई है, देखो कितने फैशनेबल है, और ऐसे कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैंने ये ड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी मार्केट में। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम अपनी पत्नियों से कह दो कि अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। शीतल अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है। हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया है मेरे बेटों ने, मैं तो सोचती थी कि अपने बेटों की शादी संस्कारी और गांव की लड़कियों से करवाऊंगी जो मेरे इस घर को अच्छे से संभाल सके, लेकिन इन्होंने तो शहर की लड़कियों से शादी करके मेरे सारे अरमानों का कचरा बना दिया। ऐसा सोचकर शीतल थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने लगती है, देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद शीतल अपने बिस्तर से उठती है और अपने आप से कहती है। अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ही उन पांचों को थोड़ा अपने घर के संस्कार सिखाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक शॉर्ट्स पहनकर टीवी देख रही होती है, तो दूसरी टॉवल लपेटकर यहां से वहां घूम रही होती है, तो तीसरी हाथ में दारू की बोतल लेकर पैग बनाती हुई पी रही होती है, चौथी सिगरेट पी रही होती है, और पांचवी किसी अंग्रेजी गाने पर नाच रही होती है। ऐसे ही वे पांचों कुछ न कुछ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर शीतल अचानक से बेहोश हो जाती है। हे भगवान माँ जी को क्या हो गया, देखो जरा ये तो जमीन पर ही सो गई। अरे शराब तो मैं पी रही थी लेकिन नशा इन्हें चढ़ गया। अरे पागलो माँ जी सोई नहीं बेहोश हो गई है, जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। वो पांचों मिलकर अपनी सास शीतल को उठाकर सोफे पर लेटा देती है, जिसके बाद सीमा शीतल के पांचों बेटों को बुला लेती है। अरे देखो तो आपकी माँ को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। जैसे ही सूरज पानी की कुछ बूंदे शीतल के चेहरे पर डालता है, शीतल को होश आ जाता है और वो होश में आने के बाद अपने बेटों से कहती है।
अरे करम जलो कमीनो निकम्मो, तुमने तो मेरे भाग्य ही फोड़ दिए। अरे कहां से लेकर आए हो इन बेशरम बहुओं को? माँ, हम इनसे प्यार करते हैं। हाँ माँ, इनके बिना नहीं जी सकते। अगर ये ना होंगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो अपना हाथ काट कर ही मर जाऊंगा। अरे तरुण बेटा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। माँ, हमारी प्यार को हमसे अलग मत करो। तुम पांचों के प्यार ने तो मेरी जान ले ली है, अब मैं क्या करूँ? बेचारी शीतल को ना चाहते हुए भी पारुल, सीमा, राखी, रमा और संजना को अपनी बहू स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके चलते उसे उन पांचों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेशर्म बहुओं को गांव के कुछ संस्कार सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पांचों शीतल का सिखाया हुआ एक भी संस्कार सीख नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो शीतल घर से बाहर निकलती तो गांव की औरत उसे ताने देने लगती है। अरे देखो आ गई शीतल, अरे इसके घर में तो पांच शहर की बहुएं आई हैं और पांचों इतनी बेशर्म हैं कि इसकी एक भी नहीं सुनती। अरे इसलिए कहते हैं बेटों को अपने सीने से दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। ये सब शीतल सुन लेती है और वो गुस्से से उन दोनों को कहती है, मेरी बहू जैसी भी है मेरे लिए अच्छी है, तुम लोग अपने काम से मतलब रखो और हमारे घर में ताका झाकी करना बंद करो। अपने घर के गार्डन से शीतल की पांचों बहुएं उसकी ये सब बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमने अपने पहनावे और अपने रवैये से माँ जी को बहुत दुख पहुंचाया है। हमारी सास कितनी संस्कारी है और हम कितने बेशरम हैं, लेकिन फिर भी माँ जी ने हमें घर से बाहर नहीं निकाला। और तो और, आज उन्होंने हमारे चलते इन औरतों को भी कड़ा जवाब दिया है। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहती हैं, तो हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए। आज से हम सभी संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो पांचों धीरे धीरे अपने आप ही गांव के तौर तरीके और संस्कार सीखना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो अपने पतियों की मदद लेती हैं। देखते ही देखते वो पांचों शहरी और बेशन बहू से एकदम गांव की संस्कारी बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर शीतल बहुत खुश होती है और एक दिन अपनी पांचों बहुओं से कहती है, तुम पांचों दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने मेरे चलते गांव के संस्कार भी सीख लिए। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब शीतल अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास और जुड़वा बहुओं की किस्मत। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के दो बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थी, यानी कलावती की दो जुड़वा बहुएं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे देखो तो सही, कैसे पी कर सो रहा है, जरा भी शर्म नहीं? इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे देखो तो सही, इस दारू वाले कीड़े को किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है, अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अरे माया की बच्ची तू है, रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहीं के, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुँच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है ना मजदूरी पर जाता है, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली, तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहनें मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां पर छाया का पति रौनक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूं मैं, हाँ क्या देख रहा हूं मैं अपने घर में?
आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई, दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम ही किसी लायक नहीं हो, शुभम रोते हुए कहता है। अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है, जो उन दोनों से कहती है, देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा। और तो और, मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वां बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी, ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है। सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती दो दो सूटकेस लेकर आती है, जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियों, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है, अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती, उन्हीं पैसों को चलाएंगे। तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें, ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो, नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का, और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है
और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती। अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी, जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो, आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वां बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। ट्रेन चुराने वाले भूत और चुड़ैल। भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में राघा और चंपा चल चलकर थककर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, आरा रा रा रा, अब और नहीं चला जाता। घुटनों ने जवाब दे दिया है कि मैं 20 साल की उम्र में 80 साल की चुड़ैल बुढ़िया बन गई हूँ। अरे चंपा, चुड़ैल तेरे जैसा मेरा भी हाल है। मुझसे तो इतनी दूर तक चला नहीं जाता। अब ऑफिस जाकर क्या करूं? वहां पर भी लोगों को मारना होता है। मन तो करता है इधर ही मार दूं, पर सैलरी कैसे मिलेगी? भाई, ऐसा जब इंसानों के साथ होता था तो उनके पास स्कूटर, गाड़ी, ट्रेन, मेट्रो चलने लग गई। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बुरी बात, हमें अपने पूर्वजों से उड़ने की काबिलियत नहीं मिली। चल चल कर कहीं जान ना चली जाए। अरे वो सब छोड़ो, ज्वालामुखी कंकाल के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते हैं ना, उसमें तो ऐसे प्राण सूख जाते हैं कि पूछो मत। काश हमारी भूतिया नगरी में भी ट्रेन चल जाए, जिससे हम सब भी ट्रेन के मजे लेकर झूलते हुए अपने ऑफिस का हिल स्टेशन पहाड़ पर घूमने जाएं। अब हमें अपनी भूतिया नगरी के मुखिया चौटाला सुर से बात करनी चाहिए। ट्रेन की मांगे करेंगे अब हम सब। ऐसा कहकर वो सब चौटाला सुर मुखिया के पास पहुँच जाते हैं और उनसे ट्रेन बनवाने की बातें करते हैं। तो वो कहता है, क्या हुआ? भूत और चुड़ैलों को यहाँ पर ट्रेन चाहिए? देखो, वैसे तो हो नहीं सकता ना, तो ट्रेन चलाने का मेरे पास बजट है और ना ही उसे बनवाने का कोई तरीका है। तो भूल जाओ, मैं तो ट्रेन लाने से रहा। चुपचाप पैदल चलकर ही जाया करो अपने काम पर। पर सरकार, हमसे चला नहीं जाता, क्या हर्ज है? और ट्रेन बनवा दीजिए। आज तो चंपा, चुड़ैल और मैं थककर गिर गए थे। इतनी दूर ऑफिस है, घूमने के लिए जाओ तो भी मुश्किल होती है। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं ट्रेन नहीं बनवा सकता। अगर आप ट्रेन नहीं लाएंगे तो हम ट्रेन को इंसानी दुनिया से चुरा कर ले आएंगे। आप ले जाओ, मेरा तो पैसा बचेगा और ट्रेन भी यहाँ चलने लगेगी। ऐसा कहकर वो दोनों भूत और चुड़ैल इंसानी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो आसपास के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अच्छी ट्रेनों को ढूंढते हैं।
तभी बदबूदार वॉशरूम देखकर वो अपनी नाक से बंद करके सीट पर आ जाते हैं। आए हाय, इंसानों में तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। कितना जाम कर रखा है यहाँ पर, इतनी गड़ी बदबू आ रही है। सही बोली चंपा चुड़ैल, वहाँ एक सेकंड और रुकते तो हम दोनों बेहोश हो जाते। वो तो है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सीट है मुलायम सी, और देख शीशा भी रखा है शक्ल देखने के लिए अच्छी। ट्रेनों में वॉशरूम अच्छा नहीं है, दूसरी ट्रेन में चलो। हाँ हाँ चल। ऐसा कहकर वो दोनों और भी ट्रेनों में जाकर अच्छी ट्रेन ढूंढते हैं। तब जाकर उन्हें दो तीन अच्छी ट्रेन मिल जाती हैं और ट्रेन को चालू करते वक्त कहते हैं, अरे ये ट्रेन चालू कैसे होगी, ऐसे बुत बनकर क्या खड़ी है चुड़ैल, जा जाकर धक्का मार। अबे मैं अकेली कितना धक्का मारूंगी, इतनी बड़ी ट्रेन है, मुझे तो लगता है इस ट्रेन के पहिए की हवा निकल गई है, हमें हवा भरनी चाहिए। अबे चुड़ैल, तू तो मुझसे भी ज्यादा गुड़गोबर है, ये देख स्टार्ट बटन है, शायद इससे ही ट्रेन चलेगी। तभी चुड़ैल उसे चांटा मारकर कहती है, जब तुझे पता था कि तुझे बटन मालूम है तो गधा बनने की जरूरत क्या थी। अबे ऐसे सुसु क्या कर रहा है। ना 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 ना, नहीं, वो तुमने थप्पड़ मार के मेरा गाल सुझा दिया है इसलिए। तभी वो ट्रेन चालू कर उसे चुरा कर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। रफ्तार से भाग की ट्रेन के अंदर बैठे लोग कहते हैं, अरे दादा रे दादा, इतनी तेज ट्रेन क्यों चल रही है, मेरा तो दिल धक धक हो रहा है। बाबा अब तो मुझे भी डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारी ट्रेन तो कहीं और जा रही है, देखो बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ काली गुफा ही गुफा है। अरे कोई हमें बचाओ, हम कहाँ जा रही हैं। वहीं चंपा और राका कहते हैं, आखिरकार हम भूतिया नगरी में इंसानों के ट्रेन को ले आए, चलो अंदर चलते हैं, और कुछ आवाज आ रही है, तुमने सुना। ओहो, हम तो ट्रेन को चुराने के चक्कर में इंसानी लोगों को भी चुरा कर ले आए हैं, अब क्या करें, चौटाला सुर को क्या बोलेंगे। छोड़ ना यार, देखा जाएगा, फिलहाल तो हमारी परेशानी खत्म, अब इस ट्रेन में हम ऑफिस जाया करेंगे, घूमा करेंगे। ऐसा कहकर वो चौटाला सुर को उस ट्रेन के बारे में बता देता है, जिससे वो ट्रेन को देखने के लिए जाता है। तभी उसे वहां से कुछ लोगों की आवाज आती है, वो दरवाजा खोलता है तो सारे लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं और चौटाला सुर कहता है, अरे कमबख्तो, तुम्हें ट्रेन चुराने को कहा था या लोगों को चुराने को, अब इनका क्या करें। ये तो कोई नरक लोग जैसा लगता है, सारे भूत हैं यहाँ पर। अरे लगता है हम इन भूत और चुड़ैलों की दुनिया में आ गए हैं, क्यों लाए हो तुम सब हमें यहाँ। देखो तुम सब यहाँ गलती से आ गए हो, हम बस ट्रेन को चुरा कर लाए थे, और अब जब तुम आ ही गए हो तो हमारे लिए ऑफिस तक पटरी बनाओ, चलो काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। अरे भला ये भी कोई बात है क्या। हाँ, मैं इस भूतिया नगरी का चौटाला सुर हूँ, मेरा आदेश है तुम लोगों को ये करना ही होगा, वरना अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। ठीक है, हम कर देंगे। अगले दिन से सभी भूत और चुड़ैलों के साथ ट्रेन में आए लोग भी उनके साथ ट्रेन की पटरी बनाने लगते हैं। चार दिन में जगह जगह पटरी तैयार हो जाती है, जहां वो सभी भूत और चुड़ैल उस ट्रेन में बैठकर अपनी भूतिया नगरी की सवारी करते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो इस ट्रेन में मजा ही आ गया, अच्छा हुआ ये लोग यहाँ पर ट्रेन ले आए। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इस ट्रेन में यहाँ से नजारा भी दिखता है। चाय ले लो, चिकन ले लो, बिरयानी ले लो, हमारी चुड़ैल ट्रेन में सब कुछ मिलता है। सफर तय करते वक्त गरम गरम चिकन खाने में मजा ही आ जाएगा। मुझे तो 2 कप एक्स्ट्रा चाय देना। चलो शुक्र है, अब हमें इतनी दूर चलकर नहीं जाना पड़ेगा, अब से ये ट्रेन है ना इसी में जाया करेंगे। हाँ ये तो अच्छा किया चंपा चुड़ैल और राका ने। दूर से राका और चंपा चुड़ैल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, वो सब कितने खुश हैं जो ट्रेन के लुत्फ उठा पा रहे हैं। यार सिर्फ एक ट्रेन से क्या होगा, हमें 2-3 ट्रेनें और चुरानी चाहिए। हाँ ये तो है। ऐसा कहकर वो दोनों इंसानी दुनिया में जाकर 2 ट्रेन चुरा लेते हैं और वो भी अपनी भूतिया दुनिया में चलाने लगते हैं। अच्छी महंगी ट्रेनें चोरी होने से वो इंसानी दुनिया में बैठा रेलवे का हेड ऑफिसर कहता है, आखिर लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई इतनी महंगी ट्रेनें कहाँ गायब हो सकती हैं? उस चोर का कुछ सुराग भी नहीं मिल रहा, अब मुझे ही उस चोर तक पहुंचना पड़ेगा और मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हो रही है। ऐसा बोलकर वो रेलवे का हेड ऑफिसर एक महंगी ट्रेन को सजाकर तैयार करता है और उसमें बैठ जाता है। उस अच्छी खासी ट्रेन को देखकर भूत और चुड़ैल फिर चुराकर अपनी दुनिया में उसे ले आते हैं। ये देखकर वो ऑफिसर जब बाहर आता है तो कहता है, कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ, जिसने भी हमारी ट्रेनों को चुराया है सामने आओ।
हाँ मैं इस ट्रेन को चुराने वाले, तू कौन है जो चल रहा है? मैं जानना चाहता हूँ ये ट्रेन मैंने लोगों की सुविधा के लिए बनाई थी, तो तुमने चोरी क्यों की? साफ साफ बता दो, वरना मेरे पास भी और भी तरीके हैं। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, भूतों को कंट्रोल करना मेरा शौक है। देखो, हमारी तुमसे कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को लेकर यहाँ आए, लेकिन हाँ ट्रेन हमने चुराई है क्योंकि हम थक चुके हैं पैदल चलकर। हमारी मजबूरी है, हमें अपनी भूतिया नगरी में ट्रेन चाहिए और हमें बनानी नहीं आती थी इसलिए चुरा लाए। अगर ऐसा सच है तो अब हमें हमारी ट्रेन वापस कर दो, हमें अपनी दुनिया में जाना है। रेलवे हेड ऑफिसर की बात सुनकर चुड़ैल उससे अपनी ट्रेन बदले में मांगने पर नई ट्रेनें बनाने की बात करती है, वरना वो और उसकी ट्रेन इंसानी लोग कभी अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकते। हेड ऑफिसर उनकी बात मान लेता है और कुछ ही हफ्ते के भीतर वो 3-4 ट्रेन भूत और चुड़ैल की मजदूरी की मदद से तैयार कर लेता है, जिसके बाद ऑफिसर कहता है, मैंने अपनी जुबान निभाई है, अब तुम सब हमें हमारी ट्रेन में वापस छोड़ कर आओ। ठीक है। इस तरह भूत और चुड़ैल इंसानी दुनिया में उन सब लोगों को उनकी ट्रेन के साथ छोड़ आते हैं और अपनी दुनिया में ट्रेन चलाकर खुशी खुशी रहते हैं।